साल 2005 से लगातार बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर रहे सुशील मोदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार से बीजेपी ने हटा दिया है। उनकी जगह पर बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि सुशील मोदी का जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में इसलिए पर कतर दिया गया क्योंकि वह किसी अन्य नेताओं को नहीं बढ़ने दे रहे थे और मीडिया का ध्यान पाने को भूखे थे। शिवानंद तिवारी ने आगे कहा कि सुशील मोदी की भूमिका बीजेपी के लिए कम और नीतीश कुमार के सहयोगी के तौर पर कहीं ज्यादा हो गई थी। मैं मानता हूं कि इसीलिए बीजेपी ने इस वक्त उनका पर कतरा है। वह बीजेपी के अन्य नेताओं को नहीं बढ़ने दे रहे थे। वह हर रोज सभी विषयों पर खुद बोलते थे और बिना न्यूज़पेपर और टीवी में खुद को देखे नहीं रह सकते थे। गौरतलब है कि 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 125 सीटें जीती हैं। इनमें से बीजेपी 74 जबकि जेडीयू 43 सीटें जीतने में कामयाब रही। सोमवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के लगातार चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली।